कुछ नहीं पूछाया, कांग्रेस ने बेच के खा लिया, देसी पंडितों ने उन्होंने लूट लिया। कुछ गठबंधन बना लो आप, कितने गठबंधन बना लो, आपका कुछ नहीं होने वाला। 28 पार्टियां साथ में है उनके। अरे 28 नहीं है, 2800 भी होगी ना, तो तब भी मोदी को कोई नहीं हरा सकता। कौन से मुसलमान यहाँ से दफन हो गए, कौन से मुसलमान यहाँ से मर गए, या किसी ने यहाँ से छीन लिया, जेब काट ली, या इन्हें बदले अत्याचार हो रहा है इन पे, कौन इन्हें लूट रहा है सड़कों पे, बताओ ऐसा कैसे, कौन हिंदू लोग कर रहे हैं, सब प्यार से रहना चाहिए, सरकार भाजपा की आवेगी। नमस्कार, राजनीति अड्डा आप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ प्रिंस। 2014 में बीजेपी आई, 2019 में बीजेपी आई, अब बारी है 2024 की। 2024 में क्या फिर से बीजेपी आती है या नहीं आती? इस वक्त जनपद मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ, और उस मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे की सुर्खियाँ उड़ जाती थी, क्योंकि यहाँ पर जो दबंगाई और लूट खसोट थी वो चरम सीमा पर थी। क्या ये 2014 से पहले जो सरकार थी उसमें ऐसा था, या 2014 के बाद जो सरकार आई उसमें ऐसा हुआ? यही सब जानने के लिए आज जनता के बीच हम पहुँचे हैं। कुछ युवा पेट्रोल पंप पे हमें यहाँ नजर आए, उनसे जानेंगे कि वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, कौन 2024 में आएगा। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत पाल है जी। रजत भाई, कैसे देखते हैं 2024 नज़दीक है, क्या नरेंद्र मोदी की हैट्रिक लगेगी या विकेट डाउन? भैया उसकी तो हैट्रिक ही लगेगी, हमेशा जो सच्चा होगा वो सच्चा नरेंद्र मोदी है हमारा, वो हर काम कर रहा है। अब जिसको काम नहीं करना वो उसके रोड़ा बढ़ ले या कुछ उसके लिए रोक ले, लेकिन रोकने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी सरकार दोबारा बनेगी, और ये हमारा वादा है आपसे। क्यों, बीजेपी में ऐसा क्या है जो दोबारा बीजेपी बनेगी, क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया है, बीजेपी ने हमारे रोजगार जो मुद्दा बनाते हैं, रोजगार बेरोजगारी, तो हमारे यहाँ जो युवा काम करना चाहते हैं उनको सबको रोजगार मिल रहा है। मैं खुद भी SBI बैंक में काम करता हूँ एज ए ऑडिटर, सी के अंडर काम करता हूँ, वो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो काम करना चाहता हो उसको काम नहीं मिल रहा, जो नहीं चाहता करना उसको तो मिलेगा ही नहीं, तो बेरोजगारी ये सब, आप विपक्ष जितने मुद्दे उठा रहा है कुछ भी नहीं उठा रहा है, गलत। क्योंकि करूँ मौजूदा सांसद की, यहाँ से संजीव बालियान मौजूदा सांसद है, उनका रिपोर्ट कार्ड हम जानना चाहेंगे, तो 10 में से कितने नंबर उन्हें देंगे आप? 10 में से 10 ही देंगे हम आप उनको। काम कैसा रहा उनका, जो कार्य मंत्री है सबसे अच्छा कार्यक्रम रहा उनका, सबके घर पे भी जाते हैं, सबके साथ खड़े होते हैं, तो इससे बढ़िया कार्यक्रम क्या होगा? देखो एक नेता वही होता है जो जनता के साथ में खड़ा रहे, वो नेता क्या है जो इधर उधर देश को गुमराह कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, तो गुमराही तो कर रहा है। गठबंधन बना लिया, कल भी बैठा हुई परसों भी, कितने ही गठबंधन बना लो आप, कितने ही गठबंधन बना लो, आपका कुछ नहीं होने वाला। 28 पार्टियां साथ में है उनके। अरे 28 नहीं है, 2800 भी होगी ना, तो तब भी मोदी को कोई नहीं हरा सकता। क्यों, राहुल गांधी हरा? राहुल गांधी को मैं जो कहना चाहूंगा कि भैया आप सपने देखते रहिए, आप सोते रहे हैं, आपने देश का कुछ भी नहीं देखा है, आप सिर्फ सो रहे हैं, तो आप सपने देख रहे हो, वो सपने कभी पूरे नहीं होंगे, सपने जागकर पूरे होते हैं। 70 साल राज करा उन्होंने बीजेपी को, तो 10 साल 70 साल राज करा है उन्होंने, मैं मानता हूँ 70 साल राज करा है, लेकिन हमारी देश की जनता गुमराह थी, जब से सोशल मीडिया 20 साल में जीवन बदल गया है, 21वीं सेंचुरी हमारी है, ये हमारा वादा है कि हम भारत दिखा देगा हर एक देश को कि हम क्या है। जी भाई, आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक सनातनी। विवेक भाई, कैसे देखते हैं, युवा हैं, 2024 में क्या लगता है, राहुल गांधी आएंगे? राहुल गांधी किसना कहा जी, क्यों युवा नहीं है राहुल? मजाक क्यों ले रहे हैं तुम, यूँ तो बताओ। क्यों भाई, कैसी मजाक वाली बात, तो बताओ, इतना बड़ा गठबंधन तैयार कर रखा। अरे गठबंधन से कुछ हो करेगा, पिछली बार भी गठबंधन कर रखा था उनने, तो अब क्या, वो पिछली बार भी नहीं आया था, अब क्या फिर मोदी का होगा? अखिलेश यादव भी साथ में ले लिया, कौन दो ना, चाहे 70 भी हो जाए उसके साथ, अकेला शेर काफी है। कौन है शेर? हमारे नरेंद्र मोदी जी, और कौन है? अच्छा, राहुल गांधी नहीं है? वो तो क्या बताऊं जी, राहुल गांधी नहीं? अरे पप्पू, अच्छा हाँ, पहले भी टंकी चोरी करा था, अब भी वही करेगा। कह रहे हमने बहुत रोजगार दिए, इसमें कुछ रोजगार नहीं। किसने रोजगार दिए? कांग्रेस सरकार। अरे जिनसे गठबंधन कर रखा टंकी चोरी करते फिर रहे वे। अच्छा हाँ, क्या नाम है भाई? मोहम्मद जावेद। अच्छा जावेद भाई, कैसे देख रहे हैं, मुस्लिम है, क्या लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार में मुस्लिम को गुमराह किया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं 2024 में किसकी सरकार बनेगी? गुमराह किसी को नहीं किया जा रहा, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेके दोबारा सीट पे आएंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होने का, कोई परेशान नहीं, कोई कुछ नहीं। एक बार नाम सही से बताओ, दिल में क्या नाम है, कभी यूं कह रहे हो, नाम बता रहे। मोहम्मद जावेद नाम है, कहीं भी कहलवा लियो, जहां तुम्हें कहलवाना हो।
अच्छा बीजेपी है। हाँ क्यों बीजेपी में ऐसा क्या दिख गया? मर्जी है भाई, आजाद मुल्क है ये। अच्छा ये आजाद मुल्क है, मेरी मर्जी है, मैं कहाँ जाऊँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। बीजेपी पे अत्याचार हो रहा? कोई नहीं। मुस्लिम पे अत्याचार हो रहा? नहीं कोई अत्याचार नहीं हो रहा। जो जो अत्याचार हो रहा वो अपनी वजह से परेशान है, वो किसी की वजह से परेशान नहीं, वो अपनी वजह से परेशान है। एक समुदाय पे बुलडोजर चलाया जा रहा? नहीं एक समुदाय पे नहीं, जिसके पास सब चीज है, कागज है, सब कुछ है, बताओ किसकी संपत्ति है फिर रहा है। अभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाना है, पहले तो पेट्रोल 60 रुपए था, अब तो 100 रुपए हो रहा। अजी 150 भी हो जाएगा, यो हम 150 लेंगे इसे। क्यों? हमारी मर्जी है भाई, वोट बीजेपी, वोट बीजेपी को ही देनी है हमें, चाहे 200 हो जावे हो। ऐसा क्या पसंद आ गया बीजेपी? मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे, वो किसी में भेदभाव नहीं देख रहे, ना वो ये देख रहे कि यो छोटी जाति का है, यो बड़ी जाति का है, सबको अपना अधिकार है इस देश में जीने का। राहुल गांधी तो बाहर जाके यूं कह रहे हैं कि मुस्लिम सेफ नहीं है, बीजेपी सरकार में मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा। जब आदमी को ये दिखता है ना कि मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, वो दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है, ठीक है जी। इसलिए राहुल गांधी अपनी जगह ठीक है, हम राहुल गांधी को गलत नहीं कह रहे कि राहुल गांधी गलत आदमी है, वो अपनी जगह बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन बीजेपी के अलावा कोई नहीं आने का। अच्छा, जी जी कोई नहीं। जी सर क्या नाम है? मेरा नाम मुमताज अहमद है। अच्छा मुमताज भाई कैसे देख रहे हैं बताओ, बीजेपी आवेगी या फिर कांग्रेस? बीजेपी पक्का 100%। क्यों बीजेपी में क्या दिख गया? चाहे पेट्रोल 500 लीटर हो जाओ, चाहे सिलेंडर 5000 का हो जाओ। नाम बताओ, क्या नाम है एक बार? मुमताज अहमद है। मुमताज अहमद देख लियो? हाँ देख लिया। कभी देख कुछ हो जा? कुछ नहीं होने का, आवेगी बीजेपी। हाँ क्या दिखा बीजेपी? सब कुछ दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा। क्या काम कर रखा बीजेपी? बीजेपी ने सड़कें बनवा दी, पुल बनवा दिए, जो आदमी सफर में 3 घंटे का सफर था उसका आधे घंटे 1 घंटे का सफर हो गया। अब और क्या चाहिए जनता को? राशन फ्री मिल रहा है, जनता मर जाती, 3 साल का लॉकडाउन लगा है, बताइए कौन सा अब तक जितने भी प्रधानमंत्री आए किसने ऐसा काम किया है, बताइए आप गरीब जनता के लिए। कांग्रेस यूं कह रही देश को इतने साल पीछे पहुंचा दिया। कुछ नहीं पहुंचाया कांग्रेस ने, बेच के खा लिया, देसी पंडितों ने उन्होंने लूट लिया। मैं तो यूं कह रही कि बीजेपी ने खा लिया 10 साल में, इतनी महंगाई कर दी, सिलेंडर 1200 पहुंचा दिया, तेल 150 पहुंचा दिया। सिलेंडर महंगा हो गया है, 1000 रुपए तो मतलब 200 रुपए किलो टमाटर बिक गए, कोई नहीं बोला, सब बोले ऐसा कुछ नहीं है। जनता को जब सुविधा मिलेगी तो सब काम होंगे। ये पुल बन रहे, ये इतने बड़े बड़े सड़कें बन रही, ये इतने बाईपास निकल रहे, जनता को सब सुविधा मिल रही, जेब करने से बन रही, लोगों की गाड़ी चोरी होने से बच रही, लड़की बहुत इज्जत बेटे बंदा हर जगह से बच रहा हो रहा, बताओ। अच्छा यूँ कह रही है, विपक्ष कहता है, राहुल गांधी कहता है, अखिलेश यादव कहते हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार है, एक समुदाय के लिए आगे लेके चल रही है बीजेपी। 5 साल मोदी को सरकार में चलते हो गए, 10 साल अब दोबारा योजना आएगी 5 साल की मोदी की, फिर आएगी, बताओ इन 10 साल के अंदर में कौन से मुसलमान यहाँ से जलावतन हो गए, कौन से मुसलमान यहाँ से दफन हो गए, कौन से मुसलमान यहाँ से मर गए, या किसी ने यहाँ से छीन लिया, जेब काट ली, या इन्हें बदले अत्याचार हो रहा है इन पे, कौन इन्हें लूट रहा सड़कों पर, बताओ ऐसा कैसे, कौन हिंदू लोग कर रहे हैं, सब प्यार से रहना चाहिए, सरकार भाजपा की आएगी। मदरसों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं क्या? मदरसे सुन लो या मस्जिद सुन लो या तुम्हारा जैसे कि आश्रम है वृंदावन में, जितने गौरी गोपाल का मैं देखता हूँ प्रोग्राम, उसमें महिला रहती है, ये सब ट्रस्ट के होते हैं, उसके अलावा जो इसके अन्यथा जो खुले रहते हैं ये सब धांधलीबाजी है, जो सिर्फ ट्रस्ट की और ट्रस्ट की कहलाई जाएगी, उसमें ये जितने भी गौशाला खुली हुई है क्या इनमें सामान नहीं भेज रहे, क्या इनकी सेवा नहीं हो रही, बताओ। अगर इसमें भी अगर लोग बाग जेब कतरी करेंगे, वहाँ से सामान पूरा आ रहा है, हम तुम ये जेब काट रहे हैं यहाँ से। 28 पार्टियां एक है गठबंधन के साथ, देख लो, या 128 हो, मुझे इससे कोई लेना नहीं है। मैंने एक बात बता दी, सरकार भाजपा की आएगी, इससे हमें कुछ नहीं कह सकता, ठीक है जी। ओवैसी जी, ओवैसी जी तो ये कह रहे मुस्लिमों को दबा रखा, ये कर रखा, वो कर रखा। मुस्लिम तो जो जहाँ है वहीं रहेगा, जिसका जो कारोबार है वो करता रहेगा, जो सुविधा सरकार से मिली है मिलती रहेगी, बहनों को जो जैसे कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है आने में जाने में, रात में किसी भी टेम आ रही किसी में जा रही, सबकी बहन बेटियाँ एक हैं, इस समय कोई लेना देना नहीं है, हम खुश है सरकार से। ये कुछ और भाई बैठे हैं यहाँ जी, भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बादल करणवाल। अच्छा जी, कैसे देखते हैं, युवा है, वोट भी डालोगे पक्की बात है 2024 आ रहा, दिल में क्या जाएगा इस बार, क्या मन है? देखो जी मोदी जी को वोट देंगे जी, काम बढ़िया करा मोदी जी ने। क्या काम करा? 5 काम के लो, बढ़िया करे जी, सड़कें देख लो। अच्छा सारी सड़कें सब सही है, 5 काम के दवाओ। अच्छा मोदी जी के, मोदी जी ने क्या बढ़िया जी 5 काम की सुनो जी, एक बार बताओ, लोग कहते फिर रहे कि रोजगार नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, एक बार बताओ भाई साहब रोजगार का करेंगे क्या, अगर जो हमारे घर में हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं रहने की, चलता बढ़िया। 5 काम गिनवाने की बात, 5 काम सुनो, तुम हाईवे पे निकलो,
तुम्हारा हाईवे एकदम क्लीन पड़ा, पहले तीन तीन चार चार घंटे लग जाते दिल्ली जाने के लिए। एक काम, दूसरा काम सुनो, सरकारी सुविधा हर एक को मिली, हिंदू हो चाहे मुसलमान। अच्छा। दो काम, तुम अपना पहले क्या सीन था जी, खुलेआम बदमाशी चल रही, तीसरा काम जो बदमाशी नहीं हो रही, ठीक है जी। बदमाशी पुलिस नहीं कर रही। कौन? पुलिस। पुलिस नहीं बदमाशी कर रही, नहीं कर रही। तो माँ बहने कर रही वे, मैं कितना बता दिया कि क्यों पुलिस गुंडा, विपक्ष कह रहा है लगातार पुलिस गुंडागर्दी कर दिया है, बेगुनाह लोगों को पकड़ती है, एनकाउंटर करती है। जो विपक्षी दूसरे के अंदर कमी निकालने के, तो वे जीतते हैं क्या? तो पहली बात तो जीतते ही नहीं वे। अच्छा यार कैसे कह रहे हैं तुम जीतते हैं? हमारे साथ मुजफ्फरनगर के कुछ लोग जिनका साफ तौर से कहना है इस बार बीजेपी को हमने 10 में से 10 दिए। क्या 2024 में इस बार मुजफ्फरनगर की जनता ने मन बना लिया है कि वो बीजेपी के साथ? कैसी लगी आपको हमारी खबर? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।